कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान पर पहुंच गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 10 रहा, जबकि पंजाब ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली। हर मंजर धुंधला गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क में शदीद सर्दी की लहर दाखिल हो गई। वफाकी दारुलहुकूमत का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद पर पहुंच गया। रावलपिंडी और मुजाफात में शदीद धुंध और कोहर का सिलसिला भी शुरू हो गया। कर्दू का दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया। साइबेरियन हवाओं के बायस 28 से 29 दिसंबर तक मुल्क में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता रोज अस्तोर में दर्जा हरारत -11, कलात, बगरोट, कालाम -7, पाराचनार, कोयटा -5, गिलगित -4, दीर, बन्नू और मीरखानी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबे के मैदानी अजला लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, सियालकोट, हाफिजाबाद, टोमा टेक सिंह, झंग, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध के अजला सखर, लाड़काना, रोहड़ी और जैकबाबाद में भी धुंध पड़ी।